हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी अमेजिंग चैनल से 20 मोस्ट स्टूपिड पीपल कॉट ऑन कैमरा, फनी स्टूपिड पीपल, फनी फेल्स। ओके, डोंट माइंड, सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब हो रही है, आई मीन मतलब तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपको हिंदी अमेजिंग की एक और मजेदार सी वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स दिखाने वाले हैं कि जिनको देखकर आप काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। तो यार, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए इसको बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। गाइज, हम में से अक्सर लोग हमेशा किसी न किसी शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। वैसे शॉर्टकट लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा भी हो जाता है, जैसा इस पापा की परी के साथ हुआ। अटक गई। सारे रोल्स गिरा दिए इसने। गाइस, कुछ पापा की परियां ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती हैं और इस चक्कर में अपनी ही बैंड बजवा लेती हैं। अब जैसा कि इसी को देख लो, जो बेचारी शूटिंग के दौरान अपने ही घुटने को तुड़वा लेती है। Hey, y'all, come look at this. बहुत जोर हमारा इसने अपने पैर पे। Oh my God. गाइज, यहाँ पर इन जनाब को भी देख लो, जिनके सारे दिन की मेहनत एक ही झटके में जाया हो जाती है। नो नो नो। गाइज, अगर आपकी किस्मत खराब हो तो फिर काम में नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कभी कभी हम अपनी ही गलतियों की वजह से अपना नुकसान कर देते हैं, जैसा कि अब इन्हीं भाई साहब को देख लो। ये वाली वैसे मैंने देखी है। गाइज, आप पापा की परियों के कारनामे तो देखते ही रहते हो, अब एक ऐसा ही कारनामा यहाँ पर भी देख लो। नहीं मतलब, आखिर इसे इतनी सारी पैंट्स पहनने की कौन सी मजबूरी थी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अगर आपको कोई आइडिया है तो हमें भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी दीदी, कौन है? रुक। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे सॉलिड जुगाड़ भी हैं, जिनके जुगाड़ देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। अब एक ऐसा ही सॉलिड जुगाड़ यहाँ पर भी देख लो। ये क्या है? मैंटिस जैसा लग रहा है। इसने क्या बना रखा है अपने? गाइज, पापा की परियां हर चीज के बिना रह सकती हैं, लेकिन मेकअप के बिना नहीं रह सकती। अब जैसा कि इन्हीं को देख लो, कैसे ये रोड पर खड़ी इस गाड़ी के मिरर को देखकर मेकअप कर रही हैं। वाह, क्या सीन है। और कभी नहीं सोचती कि भैया गाड़ी अगर रोड पर खड़ी है तो उसके अंदर कोई बैठा होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, यार। गाइज, आजकल हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं, अब ये वीडियो देखो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। गाइज, यहाँ पर ये भाई साहब साइकिल चलाते हुए वीडियो बना रहे होते हैं। अब ये खुद तो बच जाते हैं, लेकिन पीछे आ रही ये बेचारी मैडम काफी बुरी तरह से गिर जाती हैं। और ये भी नहीं कि हाँ रुके, मदद कर दे, देखो तो उसे हद है यार, हंस रहा ऊपर से। गाइज, कभी कभी हमें एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिस पर हमें काफी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है, जैसा कि अब इन्हीं भाई साहब को देख लो, जिनका डांस का कीड़ा कैसे निकलता है। गाइज, अब कुछ ऐसा ही डांस का कीड़ा इन भाई साहब को भी था, और फिर देखो इनका कीड़ा ये कैसे निकला। टीवी तोड़ेगा, पक्का टीवी तोड़ेगा। गया स्क्रीन।
दोस्तों जब आपके पीछे बहुत से कुत्ते पड़ जाएं और आपके पास बचने का कोई और रास्ता ना हो तो आप भी इन दीदी की तरह ट्राई कर सकते हो। और सब चले गए वहां से, कोई नहीं देख रहा इनका डांस। इन मैडम को भी देख लो जिनके साथ काफी बुरा हो जाता है। वैसे इनको इनका प्रपोजर उम्र भर याद रहेगा। तो गाइस दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी योगा वीडियो? पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके भाई, लास्ट में आवाज कैसी हो गई? वैसे आवाज़ के बारे में मैं ना ही बोलूँ इस टाइम तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि मेरी खुद की आवाज़ इतनी बुरी हो रखी इस टाइम। हे भगवान यार, सर्दी जुकाम, ओह माय गॉड, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, छोड़ो उस बात को। अभी यहाँ पे ये लोग एक से एक बेवकूफियाँ कर रहे हैं। एक आदमी वो तो एक मतलब पंजाबी डांस करने के बीच में गुलाटी मारने को किसने कहा था तुझे, है, और जबकि तू ऐसी सकरी जगह पे डांस कर रहा है कि भैया तेरा पैर लगेगा तो कुछ भी टूट सकता है। भाई उसने पूरी स्क्रीन तोड़ दी भाई, उस स्क्रीन में उसके ग्लिच आ गया, है ना, आधी स्क्रीन उसकी पूरी चली गई। भाई साहब अपने डांस के चक्कर में इसने कितना बड़ा नुकसान किया सोचो। और कई बार हम लोग ऐसी ऐसी जल्दी में होते हैं कि कोई काम करना होता है तो जल्दी से कुछ ना कुछ हो जाए, लाइक वो सीमेंट के जो पाइप्स थे वो उन्हें तोड़े, बहुत सारे ऐसे सामान इसमें लोग थे जो तोड़ रहे थे, है ना, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, कांच हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ यहाँ पे लोग तोड़ ही रहे थे। और किस लिए? जस्ट थोड़ा सा समय बचाने के लिए। समय बचाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा दिमाग तो सही हो कि हाँ भैया हम समय बचा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लग के अगर चीज़ सही से मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगी इधर से उधर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइक वो मोहतरमा जो शोरूम में गई थी, है ना, अपने पीछे रखे हुए जितने भी रोल थे सारे उसने गिरा दिया जस्ट बिकॉज उसे शॉर्टकट लेना था। बेवकूफ़ इंसान, हद है यार। सो गाइज आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।